एक ऐसा बमवर्षक जिसने इराक को सीरिया में दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस को तबाह कर दिया। एक ऐसा बमवर्षक जो इस समय दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियों अमेरिका और रूस के पास है। एक ऐसा बमवर्षक जो अकेले दुश्मन को बर्बाद कर सकता है, चाहे वो पाकिस्तानी आतंक हो या चीनी धोखा। दुनिया के सबसे खतरनाक बमवर्षकों में से एक TU-22M3 भारत आ रहा है, जो अब दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूँ। युद्ध में आपका स्वागत है। वो युद्ध जिसकी तैयारी हर दिन, हर घंटे, हर पल हर देश करता है, क्योंकि 21वीं सदी में युद्ध सामने से नहीं लड़ा जाता, दुश्मन पीछे से वार कर रहा है। इसलिए हमेशा तैयार रहने की जरूरत है और भारत हर ऐसे युद्ध के लिए तैयार है, चाहे आतंक के खिलाफ युद्ध हो या फिर दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब देना हो। आज युद्ध में हम आपको दिखाएंगे कि दूर छिपे देश में आतंकियों को कैसे मारा जा सकता है और इसके लिए भारत ने क्या तैयारी की है। भारत कौन सा नया हथियार खरीदने वाला है जो आसमान से बम बरसाएगा और दुश्मन तबाह हो जाएगा। पहला अटैक। दूसरा अटैक। तीसरा अटैक। आईएसआईएस को जड़ से खत्म करने वाला यही हथियार अब भारत के दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेगा। सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ रूस ने TU-22M3 का इस्तेमाल किया, जो बेहद सफल रहा। अब भारत इसे खरीदने वाला है। क्या है इस बम वर्षक की खासियत, ये हम आपको बताएं। उससे पहले इस तूफान का रूस ने कैसे इस्तेमाल किया, ये समझ लीजिए। रूसी रणनीतिक बम वर्षक TU-22M3 4,510 किलोमीटर की दूरी तय करके सीरिया में आतंकी ठिकानों पर बमबारी करता है और फिर वो वापस लौट आता है। TU-22M3 को सीरिया में हमला करने के लिए पहुंचने में 5 घंटे 20 मिनट का वक्त लगता है। कई घंटों की उड़ान के बाद महज कुछ सेकंड्स में आईएसआईएस के ठिकाने ध्वस्त हो जाते थे। भारत अगर ये बम वर्षक खरीदने में कामयाब हो जाता है तो युद्ध या आतंक से लड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। हमारी अरियान तैयार हो गई है, 2 और न्यूक्लियर सबमरीन बन रहे हैं, हमारे पास परमाणु हथियार काफी हो गए हैं, इंडियन एयरफोर्स में ब्रह्मोस भी तैयार हो रहा है, उसको लॉन्ग रेंज हो सकता है, न्यूक्लियर वॉरहेड उसका बड़ा हो सकता है, तो डेटरेंस के लिए था हमको कोई परमाणु हथियार हमारे ऊपर निगाह नहीं दिखाए परमाणु हथियार के साथ, कि ये बहुत अच्छा होगा। लॉन्ग रेंज TU-22 बमर, मैरिटाइम एयरक्राफ्ट। खास बात यह है कि इस तरह के बमवर्षक ना तो अभी चीन के पास हैं और ना ही
पाकिस्तान के पास। ऐसे में भारत यदि TU-22M3 बमवर्षक को खरीद लेता है तो भारत भी बमवर्षक के सुपर पावर क्लब में शामिल हो जाएगा, जिसमें अभी तक दुनिया के बड़े बड़े मुल्क शामिल नहीं हैं। इसके बाद अमेरिका और रूस के बाद भारत का नंबर आने लगेगा। TU-22M3 यानी किलिंग मशीन दुनिया के 10 सबसे खतरनाक बम वर्षक विमानों में गिना जाता है। इसकी सबसे खास बात इसकी स्पीड है। TU-22M3 की टॉप स्पीड 2300 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी हर मिनट में 38 किलोमीटर की उड़ान। इतना ही नहीं, इसकी रेंज 5100 किलोमीटर है। TU-22M3 एयरक्राफ्ट का खाली वजन 54,000 किलोग्राम है, जबकि 1,24,000 किलोग्राम भार के साथ ये उड़ सकता है। TU-22M3 का विंग 34 मीटर लंबा है और इसकी कुल लंबाई 42 मीटर है। That TU-22M, that is a bomber, it's a long range bomber, supersonic bomber. We do require कि जो फास्ट होता है वो सरप्राइज करने के लिए, तो we need those bombers. This is needed for our defense as well as a strategic और एक deterrent effect होने के लिए ऐसे बॉम्बर्स तो अपने पास होना चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने रूस से 4 रणनीतिक बमवर्षक विमान TU-22M3 खरीदने की इच्छा जताई है। रूसी न्यूज एजेंसी इंटरफैक्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक हथियारों को खरीदने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। रूस के येकातरिनबर्ग में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और औद्योगिक मेले इनोप्रोम 2016 में इस पर चर्चा हुई। साफ है कि भारत को तुरंत इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाले खतरों से निपटने के लिए भारत हर तैयारी कर लेना चाहता है और रूस से खरीदा जाने वाला ये बम वर्षक इस लिहाज से बेहद अहम है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया। चलिए अब आपको ले चलते हैं मेरे सहयोगी विद्या के पास, जो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि जो सुपर बम वर्षक भारत खरीदने वाला है उसका इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहां हुआ। जी नंदिता, तो अपने दर्शकों को बताते हैं कि कब और कहां और किस तरह से इसे तैयार किया गया। TU-22M3 एक रणनीतिक बम वर्षक है, इसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भी कह सकते हैं आप। भारत इसे रूस से खरीदेगा। रूस की कंपनी ट्यूपोलो ने ही इसे बनाया है और 30 अगस्त 1969 को ये बनकर तैयार हुआ था। 1972 में TU-22M3 को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। रूस, यूक्रेन और भारत में ये इस्तेमाल हो चुका है। TU-22M3 श्रेणी के अब तक 497 बमवर्षक बनाए जा चुके हैं। जिनंदिता, शुक्रिया विद्या ये जानकारी तफसील से देने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। रूस के साथ भारत का पुराना रक्षा सहयोग है। भारत समय समय पर अपनी जरूरतों के हिसाब से रूस से रक्षा सौदे करता रहा है। भारत ने बम वर्षक विमानों के अलावा भी बहुत कुछ खरीदने का मन बनाया है। इसमें सबसे अहम है IL-76 विमान। पहले से ही IL-76 विमान भारत के पास है। भारत ऐसे 6 और विमान खरीदना चाहता है। भारत अपनी वायु सेना के लिए 4 रणनीतिक बम वर्षक विमानों के अलावा 80 MI-17 हेलीकॉप्टर और ऐसे 6 IL-76 विमान भी खरीदना चाहता है, जिन पर इजरायली रडार फाल्कन तैनात किए जा सकें। भारत और रूस में सैनिक समझौते को देखते हुए ये करार अहम माना जा रहा है। वायु सेना के लिए, एयर डिफेंस के लिए बहुत अच्छा था और अब उनके Su-30, मिराज, MiG-21, MiG-27 अगर जो हवा में हैं, एवेक्स उनको बता देगा कि दुश्मन का हवाई जहाज किधर है, क्योंकि रेडार बता सकता है लेकिन कुछ डिस्टेंस पे लो आ गया, जमीन के साथ आ रहा है तो नहीं बताएगा। एवेक्स आपको पूरी एयर डिफेंस के लिए सब कुछ बता सकता है, कितने जहाज हैं, कोई दोस्त है। IFF कहते हैं आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड ऑफ फो, तो एवेक्स फाल्कन एक शक्तिशाली फोर्स मल्टीप्लायर है। भारत के पास पहले से 6 IL-76 विमान हैं,
लेकिन देश की नई रक्षा जरूरतों को देखते हुए भारत रूस से और IL-76 यानी रणनीतिक एयरलिफ्ट खरीदना चाहता है। दरअसल IL-76 को सबसे पहले मालवाहक विमान के तौर पर विकसित किया गया था, लेकिन सेना की जरूरतों को देखते हुए इसमें भारी बदलाव किए गए। IL-76 की स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5000 किलोमीटर इसकी अधिकतम रेंज है, जबकि ये 1,95,000 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भर सकता है। इसमें 5 सदस्य एक साथ उड़ान भर सकते हैं। इसके अलावा भारत रूस से अकुला 2 किस्म की दो एटमी पनडुब्बियां भी किराए पर लेना चाहता है। किराए की अवधि पूरी हो जाने के बाद भारत ये पनडुब्बियां रूस से खरीद लेगा। भारत से एग्रीमेंट होने के बाद रूस जल्दी से जल्दी अपने नौसैनिक बेड़े में से प्रोजेक्ट 971 की दूसरी शुकाबी एटमी पनडुब्बी भारत को सौंपेगा। भारत के पनडुब्बी बेड़े में ये दूसरी एटमी पनडुब्बी होगी जो बेड़े को बहुत मजबूत बना देगी। अभी तक भारत के पास सिर्फ एक ही एटमी पनडुब्बी है जो भारत ने रूस से किराए पर ले रखी है। तीसरी परमाणु पनडुब्बी की जरूरत निश्चित रूप से है। रूस ने हमें इस समय दो बड़े ऑफर दिए हैं, एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाला विमान वाहक पोत और दूसरा परमाणु पनडुब्बी। तो अगर हम लीज पर दूसरी परमाणु पनडुब्बी लेते हैं तो हम अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में जो शत्रुओं की पनडुब्बियां प्रवेश करने का अगर प्रयास करती हैं तो हम उन पर लगातार नज़र रख सकते हैं, क्योंकि परमाणु पनडुब्बी 6 महीने तक जो है समुद्र के अंदर रह सकती है। मेक इन इंडिया के तहत भारत रूस के साथ मिलकर 1000 T-90 टैंक और 200 KA-226 हेलीकॉप्टर्स भी बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।